हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो इससे पहले भी मैंने स्किन केयर रूटीन में DIY फेस मास्क के बारे में और भी वीडियो अपलोड किए हैं और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्किन केयर रूटीन में फेस शीट मास्क के बारे में। तो नाउ डेज शीट मास्क इज वेरी पॉपुलर। लास्ट 1 ईयर से बहुत ही शीट मास्क पॉपुलर हो रहे हैं, सभी लोग इसकी बहुत मतलब तारीफें कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बनाया है, उसको ट्राई भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट के वीडियोज भी मुझे देखने को मिले हैं। तो बेसिकली मैंने इसे पहले कभी यूज नहीं किया था, बट मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा मतलब इसका रिजल्ट मिलता है और क्या इसका मतलब जो भी हम इस पे मनी स्पेंड करते हैं वर्थ है या नहीं, इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये सारा मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बता। सो बेसिकली जो भी शीट मास्क होते हैं वो फेमस इन कोरिया एंड जापान, बट नाउ डेज आर दिस इज वेरी फेमस इन इंडिया और इंडिया में बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च किए हैं शीट मास्क। नायका ने भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं, गार्नियर है, उसके अलावा भी गुड वाइब्स के भी है और ये आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है मिराबेले कॉस्मेटिक कोरिया का। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शीट मास्क बहुत ही मार्केट में अवेलेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शीट मास्क होते क्या है, तो जनरली एक टिश्यू पेपर होता है उस टाइप का फेब्रिक या फिर पेपर्स होता है, उसमें जो भी सीरम होता है और अपने मतलब जो भी फेस के लिए जो भी नीडेड मतलब सीरम और एसेंशियल ऑयल होता है वो एक सीरम के फॉर्म में उस पेपर में होता है और उसको हम हमारे फेस के शेप में दिया गया होता है और जिस तरह से हम फेस मास्क अप्लाई करते हैं बस उसी तरह से ये शीट मास्क अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। तो क्या ये फेस मास्क की तरह वर्क करेगा, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मिराबेले कॉस्मेटिक कोरिया का पपैया फेयरनेस फेशियल मास्क का और इसकी प्राइस है वो है 99 रुपीज और ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था जिसमें मुझे डिस्काउंट मिला था, उसके बाद मुझे ये 80 रुपीज में मिला है। मैंने देखा है कि कोई भी शीट मास्क अगर आप परचेस करते हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू 99 रुपीज ही होती है, उससे कम के कोई भी शीट मास्क अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं। और हाँ, इसपे डिस्काउंट और ये सब होता है कि 50% ऑफ होता है या फिर बाय वन गेट वन ऑफ होता है या फिर नायका में भी बहुत सारे ऑफर्स होती है कि जो भी उनके नायका के पर्सनल है उनमें भी बाय फाइव और गेट फाइव और ऐसे बाय फाइव और थ्री, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं। तो आई थिंक 99 रुपीज में एक शीट मास्क क्या वैलिड है। नाउ अब मैं इसके पैकेजिंग की बात करूं तो कुछ इस टाइप का इसका पैकेज है और उसके बैक साइड में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन यहां पे दिया गया है कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी यहां पे दिए गए हैं कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वाटर, ग्रिसलिन, मैंने यहाँ पे पपाया का मंगवाया है तो पपाया की जो भी फ्रूट एक्सट्रेम है, गम है, उसके साथ उसकी फ्रेग्रेंस है, कैस्ट्रोल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, ये सारी डिटेल्स उसमें दी गई है। उसके साथ साथ भी इसे किस तरह से फेस पे अप्लाई कर इस शीट को पैकेट से बाहर निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें बिकॉज ये बहुत पतला होता है तो कहीं फट न जाए। तो इसे अच्छी तरह से ओपन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे आईज, लिप्स और नोज के अकॉर्डिंग उसमें कट आउट दिए गए हैं, तो ये एक फिक्स साइज में होते हैं, तो हो सकता है कि आपके फेस के अकॉर्डिंग ये छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें फेस पर अप्लाई कर देना है और इसको लगाने के बाद ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें एयर बबल्स ना रह जाए, थोड़े अच्छी तरह से हमारे फेस पर उसको अप्लाई करने के बाद थोड़े से हल्के हाथों से मसाज करना है। अगर ये स्टेप आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस उसे अप्लाई कर देना है और इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने देना है। और हाँ, 20 मैक्सिमम आप 20 मिनट तक ही उसे रखें, हो सकता है कि उसके ऑपोजिट रिजल्ट हमें मिले, तो बेटर है कि हम 15 से 20 मिनट ही उसे अप्लाई करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 20 मिनट के बाद इस फेस शीट को रिमूव कर दिया है और इसके बाद अब मेरे फेस में और भी सीरम लगा हुआ है, तो इस बचे हुए सीरम से मैं अपने हाथ से अच्छी तरह से मसाज कर दूंगी ताकि जो भी सीरम जो बचा हुआ है वो मेरी स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, यानी कि हमें जो भी इसका बेनिफिट है वो अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई किए हुए मुझे 20 मिनट्स हो चुके हैं और इसके बाद जो ये रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, अभी भी उसका जो भी ऑयल मतलब जो सीरम है अभी भी मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है और इसको मैं अच्छी तरह से स्क्रब कर रही हूँ। इसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है और हाँ, ये जो भी रिजल्ट है वो आफ्टर 20 मिनट का आप देख सकते हैं।
तो मुझे तो इतना ये कुछ बेनिफिशियल नहीं लगा और मुझे कोई इतना अच्छा ग्लो भी नहीं दिखा मेरे फेस पे, जो कि हम DIY फेस मास्क बनाकर हम ले सकते हैं, इतना अच्छा कोई ग्लो मुझे अभी तक नहीं दिखा। मैंने ये सेकेंड बार यूज किया है, इससे पहले भी एक शीट मास्क यूज कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये दो शीट मास्क में इतना फर्क दिखाएगा कि या नहीं, और भी शीट मास्क मुझे यूज करने होंगे भी नहीं। तो इसके बाद मैंने फिलहाल अभी और 4 भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो मैं आपको वो सारे ट्राई करने के बाद इसका एक रिव्यू वाला अलग बनाऊंगी कि आप ये वर्थ है कि नहीं, बट अभी फिलहाल तो मुझे ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं लग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उस पर 100 rupees वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू, जो भी मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे नहीं लगा कि आपको 99 rupees इसमें वेस्ट करने चाहिए। अगर हाँ, आपको ऑफर में मिल रहा है, बाय वन गेट वन की स्कीम में मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं, 50 rupees इज इनफ फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको 100 rupees इसमें वेस्ट करनी चाहिए। वो एक शीट के लिए जो आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसको बाद उसको आपको थ्रो करना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं बात करती हूँ कि फेस मास्क हो या फेस शीट हो, जो भी हो, आपको अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल के अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इससे हमें पॉजिटिव फील होता है, इससे हमें भी अच्छा महसूस होता है। तो आप चाहे अफोर्ड कर सकते हो तो फेस शीट मास्क यूज कीजिए, या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फेस मास्क बनाइए, DIY फेस मास्क बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने फेस के लिए अपने लिए कुछ टाइम निकालिए और अपने लिए ये कुछ अप्लाई कीजिए, तो आपको भी अच्छा फील होगा, मतलब आपको भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।